और वहीं उत्तराखंड में विकसित होंगे साहसिक पर्यटन स्थल। पर्यटक स्थलों को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पर्यटन विभाग राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के बीच एमओयू होगा। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए स्थल विकसित किए जाने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। चलिए अपडेट लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, पर्यटक स्थलों को विकसित करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और अब पर्यटन विभाग और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के बीच एमओयू भी होने वाला है। देखिए ऋषिका, उत्तराखंड की पहचान एक पर्यटन प्रदेश के तौर पर भी है और ऐसे में साहसिक पर्यटन से संबंधित यहाँ अपार संभावनाएं हैं, लिहाजा इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसको युवाओं के स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए जो पर्यटन विभाग है वो और जो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा का है इसके बीच अनुबंध होने जा रहा है। यानी करार जब होगा तो इन तमाम पहलुओं पर फोकस होगा और आने वाले समय में जो चाहे वो नौकायन है या जो और जो साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियां उनको बढ़ावा दिया जाएगा, स्वरोजगार को इससे जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो पर्यटन प्रदेश कहलाता है, जब साहसिक जो पर्यटक स्थल है ये विकसित होंगे तो यहाँ का स्वरोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ की आर्थिकी पे भी इसका फर्क पड़ेगा और इसी उद्देश्य को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही ये अनुबंध होगा और इस अनुबंध के बाद उम्मीद ये की जा रही है जो साहसिक पर्यटक वाला क्षेत्र है इसमें बूम आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जो साहसिक पर्यटन स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा और जिस तरह से आपने बताया कि एमओयू अब अगर साइन होगा तो निश्चित तौर पर विकास जो है वो और आगे बढ़ेगा।